सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले दो वीडियो में हमने देखा कि ये दो मॉस्फेट और दो ट्रांजिस्टर अगर खराब हो जाते हैं तो पीसीबी कैसे रिएक्ट करती है, और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि ये दो जो बड़े वाले जो डायोड है और ये जो रजिस्टर है अगर ये खराब होता है तो पीसीबी कैसे रिएक्ट करती है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है चार, वो अगर नहीं होता है तो कैसे पीसीबी रिएक्ट करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वाला जो कैपेसिटर है बॉक्स कैपेसिटर, इसको निकाल के देख लेते हैं कि अगर ये नहीं है हमारी पीसीबी में, अगर हम नहीं लगाते हैं तो इससे हमारी पीसीबी में कितना फर्क पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हमने ये वाला जो है छोटा उसको निकाल दिया है, फिर इसको बैटरी का पावर दे के हम देख लेते हैं कि पीसीबी में क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पीसीबी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और झटका भी लग रहा है, ठीक है। तो हम ये बैटरी का टर्मिनल निकाल के हम जो दूसरा कैपेसिटर है बॉक्स कैपेसिटर, इसको निकाल के हम देख लेते हैं। तो पहले इसको जो जिसको हमने निकाला है उसको वैसे ही लगा के जो बाजू वाला है इसको निकाल के हम देखेंगे कि वो उसको निकालने से हमारी पीसीबी में क्या होता है। ये वाला जो है इसको हम निकाल के देख लेते हैं कि ये निकालने से हमारी पीसीबी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है। तो ये वाला हमने निकाल दिया है और बैटरी का पावर हम देख के इसको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बाजू वाला जो था उसको हमने निकाल दिया तो हमारी पीसीबी में पूरा पावर भर गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पीसीबी होती है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो पहले ये जो पावर भर गया है इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया और बाद में इसको जैसा था वैसे हम वापस लगा देते हैं। और इसको लगा देने के बाद हमारा जो दो और है कैपेसिटर, इसको भी हम निकाल के देखेंगे कि अगर इसको निकाल देते हैं तो हमारी पीसीबी में क्या होता है। तो ये कैपेसिटर जो था उसको हमने जैसे था वैसे वापस लगा दिया है और ये जो दो कैपेसिटर है उसको हम एक एक करके निकालेंगे कि इससे हमारी पीसीबी में क्या होता है। तो मैं सबसे पहले किसी एक को निकाल देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये वाला एक कैपेसिटर निकाल दिया। अब हम इसको बैटरी का पावर देके देख लेते हैं कि हमारी पीसीबी में क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पीसीबी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है और ये झटका भी लग रहा है, ठीक है। और अब हम इसको बैटरी का प्लग निकाल के जो दूसरा है उसको भी निकाल के देख लेते हैं कि अगर दोनों निकाल देते हैं तो क्या होता है। तो आप देख रहे हैं हमने जो ये जो थे दोनों कैपेसिटर उसको निकाल दिया है। तो अब हमारी पीसीबी कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने दोनों कैपेसिटर को निकाल दिया फिर भी हमारी पीसीबी वैसे की वैसी काम कर रही है, ठीक है। और एक हमारे पास है जैनर, ठीक है। तो इस जैनर को भी हम निकाल के देख लेते हैं कि अगर जैनर हमारा खराब हो जाता है तो पीसीबी कैसे काम करेगी, ठीक है। तो ये हमने जैनर भी यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। और अब हम इसको बैटरी का पावर देके चेक करते हैं कि पीसीबी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जैनर भी निकाल दिया है
फिर भी हमारी पीसीबी काम कर रही है, ये झटका भी आ रहा है। तो ऐसे हमारी पीसीबी में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्पेयर पार्ट खराब है और कौन सा नहीं है, ऐसा हम ये निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारी झटका मशीन की जो मेजर पीसीबी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। और इस वीडियो के रिलेटेड वीडियो आपको हमारी एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो देख रहे